सो हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ योर चैप्टर नंबर 4 ऑफ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले करते हैं न्यू वर्ड। न्यू वर्ड में बेवर्ड न्यू वर्ड हमारे सामने आया है। ए टर्म यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम है। तो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को या झूम कल्टीवेशन को बेवड़ कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, इसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब हमारी लास्ट एक्टिविटी रह गई है स्टूडेंट्स, जो कि ट्राइबल लोग करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने जो तीन एक्टिविटीज थी वो की थी ट्राइबल पीपल की। अब हम ये चौथी एक्टिविटी कर रहे हैं। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, मीन्स कुछ ट्राइबल लोग सेटल्ड कल्टीवेशन भी करते हैं। मीन्स एक जगह पे वो सेटल होते हैं, जगह जगह पे नहीं घूमते और वो कल्टीवेशन करते हैं। इवन बिफोर द 19th सेंचुरी, मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर। देखिए स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी से पहले भी अनेक ट्राइबल ग्रुप्स थे जो उन्होंने एक जगह पे सेटल होना शुरू कर दिया था। मीन्स एक जगह पे बसना शुरू कर दिया था और वो अपने फील्ड को कल्टीवेट करने लग गए थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंस्टेड मीन की बजाय, प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमने की बजाय वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन छोड़ करके सेटल्ड कल्टीवेशन करने लग गए थे। दे बिगिन टू यूज प्लग, उन्होंने हल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंड ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे उन्होंने लैंड के ऊपर भी अपना राइट ले लिया, मीन्स जमीन के ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया। जिस जमीन पे वो खेती करते थे उस जमीन के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार बना लिया। इन मैनी केसेस, अनेक केस में, जैसे द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज ए होल। देखिए, अनेक केसेस के अंदर एक आदमी के पास जमीन नहीं होती थी, बल्कि पूरा का पूरा जो क्लैन होता था, पूरा का पूरा जो समुदाय होता था ट्राइबल ग्रुप्स का, उस पूरे समुदाय के ऊपर जमीन होती थी, समुदाय के पास जमीन होती थी। मीन्स जैसे मुंडा कहाँ के थे ये, छोटा नागपुर के, तो जो मुंडास थे छोटा नागपुर के, उनके पास में स्टूडेंट्स जो जमीन होती थी वो जमीन एक व्यक्ति की नहीं होती थी, वो जमीन पूरे क्लैन की होती थी। क्लैन मीन पूरे के पूरे समुदाय की होती थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन, और समुदाय के जितने भी मेंबर होते थे, वर रिगार्डेड, उन्हें माना जाता था एज डिसेंडेंट्स, मीन्स वंशज ऑफ द ओरिजिनल सेल्टर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड। देखिए, जितने भी क्लैन के, मीन्स मुंडा समुदाय के जितने भी मेंबर होते थे, उनको है ना ओरिजिनल सेल्टर्स का डिसेंडेंट माना जाता था, मीन्स वंशज माना जाता था। ओरिजिनल सेल्टर कौन थे? जो शुरुआत में जमीन जिन्होंने क्लियर की थी और जो जमीन पे आके शुरुआत में बसे थे ना सबसे पहले। जैसे आप का कोई गांव है, तो जो आपके पूर्वज थे ना, वो भी तो कहीं ना कहीं से आए थे, पहले आपके गांव में आके बसे थे। तो सभी मेंबर्स को उन ओरिजिनल सेल्टर्स का मीन डिसेंडेंट माना जाता था। और कौन से ओरिजिनल सेल्टर्स? जिन्होंने सबसे पहले जमीन को क्लियर किया। देयर फॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड। तो समुदाय के सभी मेंबर्स का जमीन के ऊपर अधिकार होता था मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी में। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर। कई बार क्या होता था कि क्लैन के अंदर, समुदाय में, कुछ लोग दूसरों की कंपेयर में ज्यादा पावर एक्वायर्ड कर लेते थे। मीन्स वो उनके पास में ज्यादा पावर आ जाती थी। तो ज्यादा पावर आने के बाद वो क्या करते थे, सम बिकेम चीफ्स, उनमें से जिस मीन्स पूरे क्लैन में जिन मेंबर्स के पास में ज्यादा पावर आ जाती थी ना,
वो मुखिया बन जाते थे, चीफ बन जाते थे, और दूसरे एक बनते थे उनके फॉलोवर। मीन एक मुखिया होता था और दूसरे लोग उस मुखिया के अनुयायी होते थे, मीन्स उसको फॉलो करते थे। जैसे भगवान के नीचे भगत होता था, उसी तरीके से चीफ के नीचे फॉलोवर होता था। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। जो पावरफुल मैन होते थे ना, जो क्या बन जाते थे, पावरफुल मैन चीफ्स, मुखिया बन जाते थे, वो खुद खेती नहीं करते थे मुखिया, बल्कि वो अपनी जमीन को दूसरों जो अपनी जमीन को दूसरों को क्या देते थे, रेंट पे दे देते थे, इंस्टेड की बजाय ऑफ कल्टीवेटिंग इट देमसेल्व्स। खुद खेती करने के बजाय, अपनी जमीन को खुद कल्टीवेट करने के बजाय, वो दूसरों को अपनी जमीन रेंट पे दे देते थे, मीन्स किराए पे दे देते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल सो सेटल ट्राइब ग्रुप्स लाइक गोंड्स एंड संथाल्स एज मोर सिविलाइज देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ब्रिटिश लोगों की क्या सोच थी, ब्रिटिश लोगों की ये सोच थी कि जो सेटल्ड ट्राइब ग्रुप्स है ना, सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मीन जो एक जगह पे टिक के रहते हैं ना विलेज में, वो ट्राइबल ग्रुप्स ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, और जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, जैसे हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, उनको ब्रिटिश लोग सिविलाइज्ड नहीं मानते थे, सभ्य नहीं मानते थे, उनको वो असभ्य मानते थे। और एक जगह पे सेटल्ड हो करके, टिक करके खेती करने वाला ट्राइबल ग्रुप्स कौन सा था या कौन से थे, गोंड्स और संथाल। तो ब्रिटिश लोग गोंड्स और संथाल्स को ज्यादा सिविलाइज्ड मानते थे, क्योंकि वो सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे, और जो हंटर गैदरर्स थे, मीन्स हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, गैदरिंग करते थे, मीन्स चीजों को इकट्ठा करते थे, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उन लोगों को ब्रिटिश लोग ज्यादा सिविलाइज्ड नहीं मानते थे। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज। जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, मीन्स जंगलों में रहते थे, उन लोगों को ब्रिटिश लोग वाइल्ड, जंगली और सेवेज मानते थे। सेवेज होते हैं बर्बर, मीन्स आपके जो खूंखार होते हैं उनको बोलते हैं सेवेज, एक पशुतुल्य कह देंगे वाइल्ड और सेवेज को। दे नीडिड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। और ब्रिटिश लोग ये सोचते थे कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग तो वाइल्ड और सेवेज हैं, मीन जंगली और बर्बर हैं, पशुओं के तुल्य हैं, और उनको एक जगह पे सेटल करना, मीन बसाना और सिविलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। तो कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट किया। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। स्टूडेंट्स, ट्राइबल ग्रुप्स की जो लाइफ है वो चेंज हो गई ब्रिटिश रूल के अंडर में। देखते हैं किस तरीके से चेंज हुई। जैसे ही ब्रिटिश लोग आए तो जो ट्राइबल लोग थे उनकी लाइफ चेंज हो गई। सबसे पहले तो हम ट्राइबल चीफ्स के बारे में देखते हैं क्या हुआ। मीन्स जो ट्राइबल लोगों के मुखिया होते थे, इन आदिवासी लोगों के जो आपके प्रधान होते थे या मुखिया होते थे, उनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले देखते हैं इनके साथ क्या हुआ। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, देखते हैं कि ब्रिटिश लोगों के आने से पहले ट्राइबल चीफ्स की क्या पोजीशन थी, और ब्रिटिश लोगों के आने के बाद उनकी क्या पोजीशन हो गई अपनी ट्राइबल कम्युनिटी में। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश लोगों के आने से पहले देखते हैं ट्राइबल चीफ्स के साथ में क्या हुआ। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों के आने से पहले इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पोर्टेंट पीपल। ब्रिटिश लोगों के आने से पहले अनेक एरियाज में जो ट्राइबल मुखिया थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पीपल थे, क्योंकि मुखिया हो गया वो तो इम्पोर्टेंट होगा ही। दे एंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। उनके पास में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पावर होती थी, मीन्स पैसे के मामले में वो बहुत पावरफुल होते थे, इसी को आप इकोनॉमिक पावर मानेंगे। एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर, और उनके पास में अधिकार था अपनी टेरिटरी को, मीन्स अपने क्षेत्र को कंट्रोल करने का,
और उसको एडमिनिस्टर करने का, मीन्स उसके ऊपर प्रशासन चलाने का या शासन चलाने का। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओवन पुलिस, कई जगहों पे इन ट्राइबल चीफ्स की अपनी खुद की पुलिस होती थी। एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इनकी खुद की पुलिस भी होती थी कई जगहों पे, और लोकल रूल्स कैसे बनाने हैं उन चीज़ों के बारे में भी यही डिसीजन लेते थे। और लोकल रूल किसके बारे में बनते थे? लैंड्स के बारे में और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, मीन्स फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, संभाल के कैसे रखना है, और ज़मीन के लिए रूल रेगुलेशंस कैसे बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्राइबल चीफ्स तय करते थे अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर में द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मीनिंग होता है काफ़ी हद तक। तो ब्रिटिश लोगों के आने के बाद इन ट्राइबल चीफ्स के फंक्शंस, मीन्स इनके जो आपके काम और इनकी पावर बिल्कुल चेंज हो गई। ब्रिटिश लोगों के आने से पहले हमने देख लिया, अब देखेंगे ब्रिटिश लोगों के आने के बाद ट्राइबल चीफ्स की पावर्स में और उनके फंक्शंस में क्या चेंज आए। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाई द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। देखिए, जो ट्राइबल चीफ्स थे उनको एक चीज़ तो अलाउड कर दी ब्रिटिश लोगों ने, उनकी एक चीज़ नहीं छीनी, और वो चीज़ क्या थी? उनके लैंड टाइटल्स तो उनके पास ही रहे ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस। क्लस्टर क्या होता है? झुंड या समूह। तो कई विलेजेस का जो झुंड होता था, तो उन विलेजेस के झुंड में ट्राइबल चीफ्स के पास में लैंड टाइटल्स होते थे, मीन्स कई गांव में उनकी जमीन होती थी, और वो अपनी जमीन को रेंट पे दे करके खेती करते थे। तो ब्रिटिश लोगों ने ना तो उनके लैंड टाइटल छीने, मीन्स ना तो उनकी जमीन छीनी, ना वो जमीन को रेंट पे देते थे खेती करने के लिए, ना उनका ये रेंट पे देने वाला अधिकार छीना गया। लेकिन उनकी क्या चीज लॉस्ट हो गई ट्राइबल चीफ्स की ब्रिटिश लोगों के आने के बाद? ब्रिटिश लोगों के आने के बाद ट्राइबल चीफ्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चलेगी, मीन्स प्रशासन में जो उनको बड़ा पद मिलता था या जो उनको प्रशासन चलाने का अधिकार होता था अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के बीच में, तो उनका उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या हो गई? खत्म हो गई, और उनको वो रूल या लॉ फॉलो करने पड़े, वो कानून मानने पड़े जो कानून ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मीन्स ब्रिटिश अधिकारी इंडिया में बनाते थे। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और उनकी लॉ बनाने की पावर भी छीन ली गई। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। उनको ब्रिटिश लोगों को ट्रिब्यूट देने पड़ते थे। ट्रिब्यूट आप एक एक टाइप का गिफ्ट ही लगा लो, वो ब्रिटिश लोगों को गिफ्ट देते थे। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और वो है ना अपने ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर डिसिप्लिन बना के रखते थे ब्रिटिश लोगों की जगह पे। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंगस्ट देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। देखिए, जो अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या होता? पावर, ठीक है ना? जो पावर उनके पास, जो पावर वो पहले अपने लोगों के बीच में एंजॉय करते थे, अब वो पावर उनकी लॉस्ट हो गई, मीन वो पावर खत्म हो गई, और वो अनेबल थे, मीन्स आपके अयोग्य थे अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस करने में, मीन्स जो उनकी ट्रेडिशन थी, जो परंपरा थी, वो भी छीन ली गई। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर एक ट्रेडिशनल वर्क है, एक ट्रेडिशनल फंक्शन है, एक एग्रीकल्चर करना। तो बाहर का कोई भी आदमी यदि हमारे हरियाणा के लोगों पे आकर के अधिकार जमा ले और हमारे से हमारे जो ट्रेडिशनल काम है, मीन्स जो परंपरागत काम है, वो छीन ले, तो हमारे को बहुत ही बुरा लगेगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स की इस पिक्चर के नीचे क्या चीज़ दिखा रखी है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको बताता हूँ।
ए लॉग हाउस बींग बिल्ट इन ए विलेज ऑफ द निशी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, निशी ट्राइब्स, तो निशी कहाँ की ट्राइब थी? अरुणाचल प्रदेश की। तो ये लॉग हाउस बनाया है। लॉग क्या होते हैं? जो बांस के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं ना, ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, उनको लॉग बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश की निशी ट्राइब है वो बांस के लट्ठों से बने हुए घर में रहती थी या रहती है। एंटायर विलेज हेल्प्स वेन लॉग हट्स आर बिल्ट, मीन्स लॉग से, लट्ठों से, बांस के लट्ठों से जब हट्स या झोपड़ियां बनाई जाती थी तो पूरा विलेज हेल्प करता था उस चीज में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि निशी ट्राइब्स कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। और किस टाइप के घरों में ये रहना पसंद करते थे? वो करते थे लॉग हाउसेज के अंदर, मीन्स आपके बांस के लट्ठों के बने हुए घर में। अभी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि ब्रिटिश लोगों के अंडर में ट्राइबल लोगों की लाइफ किस तरीके से चेंज हुई। ट्राइबल चीफ्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश लोगों के आने के बाद शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की लाइफ किस तरीके से चेंज हुई। मैंने बताया था कि जो स्थान को बदल बदल के जो लोग खेती करते हैं वही कौन होते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम। ब्रिटिश लोग उन लोगों से अनकंफर्टेबल फील करते थे, असहज महसूस करते थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और जिनका अपना कोई फिक्स होम नहीं होता था। पहले मैंने बताया था कि जो लोग एक जगह पे सेटल्ड होते थे ना, या रहते थे एक जगह पे, जगह जगह नहीं घूमते थे, तो उन सेटल्ड लोगों को ब्रिटिश लोग काफी सिविलाइज्ड मानते थे, मीन्स सभ्य मानते थे। लेकिन ब्रिटिश लोग उन लोगों को असभ्य मानते थे और उनके सामने असहज महसूस करते थे, अनकंफर्टेबल फील करते थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और जिनका फिक्स होम नहीं होता था। दे वॉन्टेड ट्राइबल, अगले पेज पे करते हैं। तो ब्रिटिश लोग वॉन्टेड, वॉन्टेड मीन चाहना। तो ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे? कि जो ट्राइबल ग्रुप्स है ना, टू सेटल डाउन, कि वो एक जगह पे सेटल हो जाएं, इधर उधर ना घूमें, और बिकम पेजेंट कल्टिवेटर्स। और ये चाहते थे कि वो पेजेंट कल्टिवेटर्स बन जाएं, मीन्स खेती करने वाले बन जाएं। सेटल्ड पेजेंट्स वर इजियर टू कंट्रोल। ब्रिटिश लोग क्यों सेटल करना चाहते थे शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स को एक जगह पे? क्योंकि ब्रिटिश लोग मानते थे कि जो सेटल्ड पेजेंट्स हैं, मीन्स जो एक जगह पे रहने वाले किसान हैं, जो जगह जगह नहीं घूमते, तो सेटल्ड पेजेंट्स के ऊपर ब्रिटिश लोग मानते थे कि कंट्रोल करना और उनका एडमिनिस्टर, मीन्स प्रशासन चलाना इजी है देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। मीन्स जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे उनकी कंपेयर में सेटल्ड लोगों पे, एक जगह पे टिक के रहने वाले लोगों पे कंट्रोल करना और एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स आपके प्रशासन चलाना आसान है। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड ए रेगुलर रिवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। और ब्रिटिश लोग है ना, ये इसलिए भी सेटल करना चाहते थे, मीन्स एक जगह पे बसाना चाहते थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को, क्योंकि उनको लगातार रिवेन्यू की जरूरत होती थी। रिवेन्यू का मीनिंग यहाँ पे हो गया टैक्स। तो उनको लगातार टैक्स लेने की जरूरत पड़ती थी। तो जो लोग जगह जगह पे घूमते थे उनको तो ढूंढना मुश्किल था टैक्स लेने के लिए, लेकिन सेटल्ड लोगों से आपके टैक्स लेना, रिवेन्यू लेना क्या था? आसान था, और रेगुलर रिवेन्यू लिया जा सकता था उनसे। सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स। तो ब्रिटिश लोगों ने लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड की, मीन्स आपके लोगों को लैंड दे दी और वहीं पे लोगों की सेटलमेंट, मीन बस्तियां बसानी शुरू कर दी। दैट इज, जैसे दे मेजर्ड द लैंड, उन्होंने जमीन को मापा। डिफाइंड द राइट्स ऑफ इट ईच इंडिविजुअल, हर आदमी के अधिकार डिफाइंड किए, निर्धारित किए लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, मतलब हर आदमी की जमीन निर्धारित कर दी। और स्टेट के लिए रिवेन्यू की डिमांड फिक्स कर दी,
कि हम जमीन को माप रहे हैं और हर आदमी को हम जमीन दे रहे हैं और फिर उससे हम एक फिक्स रेवेन्यू लेंगे, टैक्स लेंगे, जमीन पे उससे खेती करवाएंगे। सम पेजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर, और ब्रिटिश लोगों ने कुछ किसानों को लैंड ओनर मीन्स बड़े बड़े जमींदार घोषित कर दिया, दूसरों को टेनेंट्स बना दिया। टेनेंट्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? टेनेंट्स वो किसान होते हैं जो दूसरे की ज़मीन को पट्टे पे लेकर के या ठेके पे लेकर के खेती करते हैं, उसको बोलते हैं टेनेंट्स। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा होगा, द टेनेंट्स वर टू पे रेंट। टेनेंट्स को रेंट पे करना पड़ता था लैंड ओनर को मीन्स जमीन के मालिक को, क्योंकि टेनेंट्स की ज़मीन नहीं होती थी, टेनेंट्स तो लैंड ओनर की ज़मीन पे खेती करता था। तो हम किसी की ज़मीन पे खेती करेंगे लेकर के, तो हम जिसकी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं हम तो हो गए टेनेंट्स, मीन्स किसी की ज़मीन हम किराए पे लेके खेती कर रहे हैं, और जिसकी ज़मीन पे हम खेती कर रहे हैं वो हो गया लैंड ओनर। तो टेनेंट्स लैंड ओनर की ज़मीन पे खेती करता था और वो लैंड ओनर को रेंट देता था, वो इन टर्न पेड रिवेन्यू टू द स्टेट्स। और लैंड ओनर फिर क्या करते थे, टेनेंट से रेंट लेकर के और स्टेट को टैक्स देते थे उसी रेंट से। तो देखिए, भील वीमेन कल्टीवेटिंग इन ए फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भील ट्राइबल कम्युनिटी है वो कहाँ पे रहती है, गुजरात में, और भी रहती है, राजस्थान के अंदर भी रहती है। जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे भील लोग रहते हैं। तो भील महिलाएं हैं, देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ट्राइबल लोग। और तो ये भील वीमेन है, एक भील औरत है गुजरात के अंदर, ये गुजरात के जंगलों में खेती कर रही हैं ये। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंटिन्यूस इन मैनी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ गुजरात, शिफ्टिंग कल्टीवेशन गुजरात के अनेक फॉरेस्टेड एरिया में आज भी होती है, मीन्स जो जंगल हैं गुजरात के वहाँ पे आज भी स्थान बदल बदल के ट्राइबल लोग खेती करते हैं। यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं, ट्रीज हैव बीन कट, पेड़ काटे जाते हैं और फिर ज़मीन को क्लियर किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। पैचेज क्या होता है, ज़मीन का टुकड़ा, तो ज़मीन के टुकड़े को कल्टीवेशन के लिए फिर तैयार किया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ब्रिटिश लोगों के एफर्ट की, द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स। तो ब्रिटिश लोगों ने अनेक एफर्ट किए झूम कल्टीवेटर्स को सेटल्ड करने के लिए, मीन्स एक जगह पे बसाने के लिए, लेकिन ब्रिटिश लोगों के ये जो एफर्ट थे ये सक्सेसफुल नहीं हुए, मीन्स वो झूम कल्टीवेटर्स को एक जगह पे सेटल्ड करने में या बसाने में कामयाब नहीं हुए। सेटल्ड प्लग कल्टीवेशन इज नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कार्स एंड द सोइल इज ड्राई, मीन्स सेटल्ड प्लग कल्टीवेशन। ब्रिटिश लोग चाहते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एक जगह पे सेटल हो जाएं, वो एक जगह से दूसरी जगह ना घूमें और प्लग के साथ खेती करें, लेकिन आसान नहीं था, ब्रिटिश लोग जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं था, क्योंकि झूम कल्टीवेटर्स को ही उस चीज़ का पता था कि कहाँ पे खेती हो सकती है कहाँ पे नहीं। क्यों नहीं बसा सके ब्रिटिश लोग झूम कल्टीवेटर्स को एक जगह पे सेटल्ड क्यों नहीं कर सके, क्योंकि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे उनको सेटल्ड किया जाता था वहाँ पे वाटर ही नहीं होता था और ज़मीन सूखी होती थी। तो ब्रिटिश लोग सोच रहे थे कि इनको एक जगह पे सेटल करें और इनसे खेती कराएं, तो पानी ही नहीं होगा, ज़मीन सूखी होगी तो खेती कहाँ से होगी। इन फैक्ट वास्तव में झूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू प्लग कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स। देखिए, झूम कल्टीवेटर्स जिनको प्लग कल्टीवेशन करनी पड़ी, प्लग कल्टीवेशन मीन हल चला के एक जगह पे सेटल्ड होकर के खेती करनी पड़ी, तो अपने झूम कल्टीवेशन में तो झूम कल्टीवेटर्स हल का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो ऐसे ही सीड्स को स्कैटर्ड कर देते थे, मीन बिखेर देते थे ज़मीन पे। लेकिन सेटल्ड कल्टीवेशन में उनको प्लग का यूज करना पड़ता था, लेकिन स्टूडेंट्स झूम कल्टीवेटर्स की प्लग के द्वारा, हल के द्वारा खेती करने
कि जो मतलब सेटल्ड कल्टीवेटर्स को सॉरी जो झूम कल्टीवेटर्स थे, झूम कल्टीवेटर्स को प्लग के द्वारा खेती करवाने की जो चीज है वो रास नहीं आई और वो हमेशा सफर करते थे, मींस उनको ये चीज सूट नहीं की। सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, क्योंकि जहां पे भी वो टिक के खेती करते थे झूम कल्टीवेटर्स या ब्रिटिश लोग उनसे करवाते थे, तो उससे अच्छी यील्ड नहीं मिलती थी। यील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, अच्छी उपज नहीं मिलती थी। सो द झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के झूम कल्टीवेटर्स ने अंग्रेजों की बात, ब्रिटिश लोगों की बात नहीं मानी और उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। मीन्स लगातार वो झूम कल्टीवेशन ही करते रहे, एक जगह से दूसरी जगह जा जा करके खेती करते रहे, स्थान बदल बदल के खेती वो करते रहे। वो थी उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस या ट्रेडिशनल काम, और ब्रिटिश लोगों की बात उन्होंने नहीं मानी। सेटल्ड प्लग कल्टीवेशन, एक जगह पे टिक करके प्लग के साथ, हल के साथ उन्होंने खेती नहीं की। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द ब्रिटिश हैज टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो गया, मीन्स बहुत ही बड़ा विरोध हो गया, कब, जब ब्रिटिश लोगों ने झूम कल्टीवेटर्स को मजबूर किया कि आप एक जगह पे सेटल्ड हो करके खेती करिए, तो उससे वाइड स्प्रेड बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा। ब्रिटिश लोगों को बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा, तो ब्रिटिश लोग अल्टीमेटली अंततः मजबूर हो गए और उन्होंने कंट्री के कुछ फॉरेस्ट में ट्राइबल ग्रुप्स को अनुमति दे दी कि यहाँ पे आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने का अधिकार हम देते हैं। फिगर नंबर सेवन में आपको दिखाया गया है ट्राइबल वर्कर्स इन ए राइस फील्ड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल वर्कर्स एक राइस फील्ड में, मीन्स चावल के खेत में काम कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में, असम में चावल बहुत अच्छा होता है, वैसे चावल के प्रोडक्शन में, राइस के प्रोडक्शन में सबसे पहला जो नाम है हमारी कंट्री में वो स्टूडेंट्स आपके आता है वेस्ट बंगाल का। नोट द डिफरेंस बिटवीन द राइस कल्टीवेशन इन द फ्लैट प्लेन्स एंड इन द फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे पिक्चर के द्वारा बताया गया कि फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके से वो उगाया जा रहा है आपके राइस, और उसके साथ साथ में आप अपने फ्लैट प्लेन में भी राइस उगाया उगाते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी राइस उगाया जाता है हरियाणा के अंदर बहुत जगहों पे। अभी है ना, अगला हम टॉपिक करते हैं स्टूडेंट्स स्लीपर का। तो जो स्लीपर होता है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लांक होता है वुड का, मीन्स लकड़ी का, ऑन विच जिसके ऊपर रेलवे लाइन लेड की जाती है, मीन्स रेलवे लाइंस बिछाई जाती हैं। जैसे ये रेलवे की लाइन है, ये रेल की लाइन है स्टूडेंट्स, और इसके बीच में एक लकड़ी का तख्ता सा होता है हॉरिजॉन्टल, तो उसी को क्या बोलते हैं स्लीपर। पहले तो ये स्लीपर लकड़ी के आते थे, लेकिन आज आप रेलवे लाइन को देखेंगे ध्यान से तो वहां पे पत्थर के मिलेंगे। आप गए होंगे रेलवे लाइन पे, तो वो बीच में जो हॉरिजॉन्टल प्लांक्स लगे होते हैं पत्थर के, उन्हीं को क्या बोलते हैं स्लीपर। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। स्टूडेंट्स फॉरेस्ट लॉज के क्या इम्पैक्ट पड़े, मीन्स फॉरेस्ट लॉज, जंगलों के अंदर एंट्री बंद कर दी थी आपके ब्रिटिश लोगों ने, किसकी, ट्राइबल पीपल्स की। तो उस चीज के मतलब फॉरेस्ट को लेकर के कुछ कानून बना दिए ब्रिटिश लोगों ने और ये बोल दिया कि आप फॉरेस्ट में एंट्री नहीं करेंगे। किसको बोल दिया ब्रिटिश लोगों ने, ट्राइबल पीपल को। तो ट्राइबल पीपल की फॉरेस्ट में से एंट्री बंद कर दी। तो देखते हैं उस चीज के क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या प्रभाव पड़े ट्राइबल लोगों पे। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट के ऊपर कितनी डिपेंडेंट थी लाइफ ट्राइबल पीपल की। बैगा लोग थे जो सेंट्रल इंडिया के, वो अपने आप को फॉरेस्ट की संतान मानते थे, जंगल की संतानें मानते थे।
और वो कभी भी मजदूरी करना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि हम अपनी सारी लाइवलीहुड या सर्वाइवल के सारे जितने भी हमारे रिसोर्स हैं वो हम फॉरेस्ट से ही लेंगे, हम मजदूरी नहीं करेंगे, और फॉरेस्ट के संतान मानते थे ट्राइबल पीपल अपने आप को। तो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ, उनका जीवन डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कनेक्टेड था फॉरेस्ट से। सो चेंजेज इन फॉरेस्ट लॉज हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ। जैसे ही ब्रिटिश लोगों ने फॉरेस्ट लॉज में चेंज की, मीन्स फॉरेस्ट के लिए कानून बना दिए, तो फॉरेस्ट के लिए कानून बनाते ही ट्राइबल लोगों की लाइफ कंसिडरेबल चेंज हो गई। कंसिडरेबल मीन काफी हद तक बदल गई। कैसे? देखिए किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल किया और फॉरेस्ट लॉ बना दिए, जंगलों के लिए कानून बना दिए, और उस चीज का ट्राइबल पीपल की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल। एक्सटेंडेड का मीन होता है बढ़ा लेना। तो ब्रिटिश लोगों ने फॉरेस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया, ऑल ओवर द फॉरेस्ट, सभी फॉरेस्ट पे, एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। और ये कह दिया कि फॉरेस्ट तो स्टेट की प्रॉपर्टी है। अब स्टेट का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स कि फॉरेस्ट तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट को ही आप स्टेट मान लो या राज्य मान लो। तो स्टेट कौन थे? वो ब्रिटिश लोगों को ही हम स्टेट बोलेंगे या उनके अधिकारों को ही हम स्टेट बोलेंगे, भाई सरकार कह देंगे, गवर्नमेंट बोल देंगे स्टेट को। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट। और ब्रिटिश लोगों ने फॉरेस्ट बनाए तो उन फॉरेस्ट को उन्होंने कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और एक फॉरेस्ट उन्होंने बना दिए रिजर्व फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की उन्होंने कई कैटेगरी बनाई, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए, विलेज फॉरेस्ट बनाए, रिजर्व फॉरेस्ट बनाए। तो कई कैटेगरीज में फॉरेस्ट को, कई वर्गों में जंगलों को उन्होंने बांट दिया। जैसे अच्छे वाले फॉरेस्ट की अलग कैटेगरी बना दी, जो थोड़ा कम अच्छा था उसकी अलग कैटेगरी बना दी, जो सबसे लोअर फॉरेस्ट थे जहाँ पे थोड़ी आपके ग्रीनरी कम थी या अच्छी लकड़ियाँ नहीं मिलती थी जहाँ पे, उन फॉरेस्ट को सबसे नीचे वाले लेवल पे, सबसे नीचे वाली कैटेगरी में डाल दिया गया। तो कुछ फॉरेस्ट को बना दिया गया रिजर्व फॉरेस्ट। तो देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते थे। दे प्रोड्यूस टिम्बर, ये रिजर्व फॉरेस्ट है ना, इमारती लकड़ी देते थे। तो ब्रिटिश लोग टिम्बर की बड़ी इंपॉर्टेंस मानते थे, क्योंकि टिम्बर से वो अपनी, एक तो रेलवे के स्लीपर बनाते थे। उन्होंने इंडिया में रेल चला रखी थी ब्रिटिश लोगों ने, तो उनको रेलवे के लिए स्लीपर चाहिए थे, और स्लीपर के लिए उनको टिम्बर की जरूरत थी। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश लोग जहाज चलाते थे, उनकी नेवी के जहाजों के लिए उनको लकड़ी की जरूरत होती थी, टिम्बर की, मीन्स इमारती लकड़ी की जरूरत होती थी। इन दीज फॉरेस्ट, इन जंगलों में पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। इन जंगलों में, कौन से जंगलों में? रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल पीपल मूव फ्रीली, खुले तौर पे मूवमेंट नहीं कर सकते थे, आजादी से नहीं घूम सकते थे, झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे वो इन रिजर्व फॉरेस्ट में से ट्राइबल लोग। इसके साथ साथ फ्रूट्स भी वो कलेक्ट नहीं कर सकते थे, और एनिमल्स को भी वो हंट नहीं कर सकते थे, पशुओं का शिकार भी नहीं कर सकते थे। हाउ वर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन? तो झूम कल्टीवेटर्स या ट्राइबल ग्रुप की सारी एक्टिविटी को बंद कर दिया ब्रिटिश लोगों ने, तो वो किस तरीके से बेचारे सरवाइव कर सकते थे, जिंदा रह सकते थे? क्योंकि फॉरेस्ट में जो उनकी एक्टिविटीज थी, जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज थी, वो तो बंद कर दी ब्रिटिश लोगों ने। ना वो फॉरेस्ट में मूवमेंट कर सकते, खुले तौर पे घूम सकते, ना खेती कर सकते, ना फ्रूट कलेक्ट कर सकते, ना एनिमल का शिकार कर सकते, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करते बेचारे? मैनी वर देयर फॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। मैनी वर देयर फॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज। तो अनेक ट्राइबल ग्रुप्स दूसरे एरिया में चले गए, क्योंकि जब एक
एरिया में आपकी आजीविका का रोजी रोटी का साधन बंद हो जाएगा तो आप दूसरे एरिया में तो जाएंगे, और वर्क और लाइवलीहुड की तलाश में। तो जब ब्रिटिश लोगों ने बैन लगा दिया ट्राइबल ग्रुप्स पे, तो ट्राइबल ग्रुप्स अदर एरियाज में मूव कर गए, मीन्स दूसरे एरिया में वो चले गए इन सर्च ऑफ की तलाश में, वर्क और लाइवलीहुड, लाइवलीहुड की तलाश में। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड ए ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, दे फेस्ड ए प्रॉब्लम। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट में रहने से मना तो कर दिया, लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, ब्रिटिश लोगों ने स्टॉप कर दी उनकी ये एक्टिविटी। क्या? ट्राइबल पीपल की फॉरेस्ट में रहने की जो एक्टिविटी थी वो बंद कर दी। लेकिन इससे ब्रिटिश लोगों को ही प्रॉब्लम हो गई। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स और टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स? क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था ना, जो वन विभाग होता था, उसको पेड़ काटने पड़ते थे रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए, और उन पेड़ काटने के बाद जो उन पेड़ों के लट्ठे होते थे, जो लोग होते थे, उनको भी ढोना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। तो पेड़ काटने के लिए और उनको एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ब्रिटिश लोगों को लेबर की, मजदूरों की जरूरत थी। और मजदूरी कौन करते थे उनके लिए? ट्राइबल लोग करते थे। लेकिन ट्राइबल लोगों को तो उन्होंने बाहर निकाल दिया फॉरेस्ट से, तो उनको मजदूर मिलने मुश्किल हो गए। तो ब्रिटिश लोगों ने जैसे ही ट्राइबल लोगों को बाहर निकाला, तो इससे ब्रिटिश लोगों को ही समस्या हो गई, क्योंकि ना तो रेलवे के लिए स्लीपर बनाने वाला उनको कोई मिला, पेड़ काटने वाला नहीं उनको कोई मिला, ना ही जो बड़े बड़े लट्ठे होते थे ना, जैसे पेड़ का तना होता है ना, काटने के बाद कैसा दिखता है, वो लोग बोलते हैं उसको लट्ठा, तो वो भी मीन्स आपके ढोने वाले नहीं मिले उनको। कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद द सिचुएशन। कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने एक नई स्थिति सूझी देखी। केम अप विद द सिचुएशन का मीन्स है कि उनके माइंड में एक नया प्लान आया, भाई हम है ना ऐसा क्या काम करें जिससे कि जो ट्राइबल लोग हैं वो हमारे लिए काम करने लग जाएं। तो उनको देखो क्या तरकीब सुझरी सूझी। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया दैट कि दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टीवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेज वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। तो ब्रिटिश लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी झूम कल्टीवेटर्स, झूम खेती करने वाले जो भी किसान हमारे लिए मजदूरी करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, और फॉरेस्ट की देखभाल करेंगे या फॉरेस्ट की कटाई में हमारी हेल्प करेंगे, तो उन झूम कल्टीवेटर्स को हम कुछ जमीन दे देंगे और जंगलों में खेती करने का अधिकार दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारे लिए लेबर करेगा उसको हम जमीन देंगे फॉरेस्ट में और खेती करने का अधिकार देंगे, लेकिन शर्त क्या है? हमारे लिए लेबर करना पड़ेगा। सो इसलिए इन मैनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस। तो अनेक रीजन में, अनेक एरियाज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट विलेज बना दिए टू एंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार एनटीएससी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट विलेज क्यों एस्टेब्लिश किए, तो इसका आंसर आएगा टू एंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, ताकि सस्ती मजदूरी मिल सके और रेगुलर मिल सके। तो फॉरेस्ट विलेज कौन से थे? जिन विलेजेस में वो झूम कल्टीवेटर्स रहते थे जो कि खेती करने के साथ साथ ब्रिटिश लोगों के लिए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मजदूरी भी करते थे। यहाँ पे दिया गया है देखिए कुछ, वरियर एल्विन का दोबारा से फिर दिया गया है। तो ऐसी ऐसी कोटेशन भी कई बार आती है। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज टू लिव, कि अंग्रेजों की इस जमीन में आपके रहना कितना मुश्किल है। इन द 1930
थर्टीज वॉरियर एल्विन विजिटेड द लैंड ऑफ द बैगाज ए ट्राइबल ग्रुप इन सेंट्रल इंडिया। 1930 में वॉरियर एल्विन ने बैगाज की लैंड को विजिट किया। और बैगाज कौन थे? बैगाज सेंट्रल इंडिया में रहने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि वॉरियर एल्विन ने बैगा कम्युनिटी के विलेजेज में उनकी जमीन में कब विजिट किया? 1930 में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट था ये आपके वॉरियर एल्विन, कल मैंने बताया था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? जो अलग अलग ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर, मानव समाज के ऊपर स्टडी करता है, या मानवों पर जो स्टडी करता है, मानव शास्त्री कहते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो he wanted to know about them, their customs and practices, their art and folklore. देखिए वॉरियर एल्विन बैगा लोगों के पास क्यों गया? क्योंकि वो आपके बैगा लोगों के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस, उनके रीति रिवाजों के बारे में जानना चाहता था। इसके साथ साथ उनकी कलाएं कौन सी हैं उनके बारे में जानना चाहता था, इस और उनके फोकलोर के बारे में जानना चाहता था। फोकलोर पता क्या होता बच्चों? फोकलोर होता है लिटरेचर ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों का जो साहित्य होता है ना उसको बोलते हैं फोकलोर। जैसे हम बात करते हैं हमारे हरियाणा की फोकलोर कौन सी है, जो हमारे हरियाणा में रागनी की परंपरा है, सांग की परंपरा है, उसको क्या बोलते हैं? फोकलोर बोलते हैं। हमारे शादी विवाह में महिलाएं गीत गाती हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में ही गाती हैं, और हरियाणवी डायलेक्ट है, लैंग्वेज तो नहीं है। और हम देखिए किस तरीके के गीत सुनते हैं। ही रिकॉर्डेड मैनी सॉन्ग, उन्होंने आपके बैगा लोगों के अनेक सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया। दैट लेमेंटेड, लेमेंटेड का मीनिंग होता पछतावा करना, और उन सॉन्ग में बैगा लोग पछतावा करते थे कि ब्रिटिश लोगों के अंडर में हमारी लाइफ बहुत हार्ड हो गई है। तो ये उनमें से एक सॉन्ग है, तो आप इसको पढ़ लेना, इस सॉन्ग को सारी चीजें एक बार जरूर स्टडी करें, क्योंकि इसके अंदर से आपकी वोकेबलरी मजबूत हो जाएगी, स्पोकन इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। तो ये भी आप एक बार जरूर पढ़ें बुक को। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारा पेज है उस पे देखते हैं हम क्या है। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, अनेक लोगों ने तो ब्रिटिश लोगों के कहने पे जंगलों में खेती करनी शुरू कर दी और ब्रिटिश लोगों के लिए लेबर करना शुरू कर दिया, लेकिन अनेक ट्राइबल ग्रुप्स नहीं माने और उन्होंने ब्रिटिश लोगों के कॉलोनियल लॉ पे रिएक्ट किया, रिएक्शन किया, प्रतिक्रिया दी, मींस उन्होंने ब्रिटिश लोगों की बात का उल्टा जवाब दिया। कॉलोनियल कौन थे? ब्रिटिश लोग कॉलोनियल थे, क्योंकि उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था। दे डिसोबेड, उन्होंने डिसोबे कर दिया, मीन्स आपके आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जो न्यू रूल बनाए ब्रिटिश लोगों ने। कंटिन्यूड विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रिबेलियन, उन्होंने ब्रिटिश लोगों को डिसोबे कर दिया, ब्रिटिश लोगों के नए रूल्स को उन्होंने आपके नहीं माना। ओबे होता है किसी की आज्ञा मानना, और डिसोबे का मीनिंग क्या होता है? आज्ञा नहीं मानना। और वो अपने पहले वाली प्रैक्टिस ही करते रहे, मीन्स वो अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जो वो काम पहले करते थे जंगलों में वो करते रहे, और उन्होंने ब्रिटिश लोगों की बात को नहीं माना। दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, हालांकि ब्रिटिश लोगों ने उनकी प्रैक्टिस को इलीगल घोषित कर दिया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया था कि आप जो ये काम कर रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जंगल में से फल फ्रूट कलेक्ट कर रहे हैं, या मीन्स आपके जो आप एनिमल्स को हंट करते हैं, तो ये आप सारे इलीगल काम करते हैं। लेकिन उन्होंने ब्रिटिश लोगों की इन बातों को नहीं माना एट टाइम्स, और कई बार उन्होंने ओपन रिबेलियन भी किए, खुले विरोध भी किए। रिबेलियन क्या होता है? एक विरोध या आंदोलन करना। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा इन 1906 इन असम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, और दो विद्रोह बड़े फेमस हुए ब्रिटिश लोगों के खिलाफ या ब्रिटिश लोगों के फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ। एक विद्रोह तो असम में किया सोनग्राम संगमा ने, सोनग्राम संगमा एक
ट्राइबल लोगों का लीडर था, असम के थे वो। उन्होंने अपने ट्राइबल ग्रुप्स को साथ में लेकर के 1906 में विरोध किया, और एक फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ, जैसे फॉरेस्ट में एंट्री के लिए सत्याग्रह किया गया 1930s में सेंट्रल प्रोविंसेस में। द प्रॉब्लम्स विद ट्रेड, तो देखते हैं ट्रेड्स के मैटर में क्या प्रॉब्लम हुई। 19th सेंचुरी में स्टूडेंट्स ट्राइबल ग्रुप्स ने देखा कि ट्रेडर और मनी लैंडर्स उनके पास आ रहे हैं, और ट्रेडर और मनी लैंडर्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस मीन्स फॉरेस्ट से मिलने वाली चीजें ट्राइबल ग्रुप से लेते थे, और उनको कैश लोन देते थे, मीन उनको लोन देते थे। और ये भी कहते थे ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स ट्राइबल ग्रुप्स को कि आप हमारे लिए वर्क करें, वेजिज करें, मजदूरियां करें। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसिज ऑफ वट वॉज हैपनिंग। इस चीज के परिणाम समझने में ट्राइबल ग्रुप्स को काफी टाइम लगा। मीन्स भाई मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स हमारे से मजदूरियां क्यों कराना चाहते हैं, हमें लोन क्यों दे रहे हैं, और हमारे से फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इनके परिणाम क्या हैं। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर। सिल्क ग्रोवर का, सिल्क उगाने वालों का केस देखिए। इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। इंडियन सिल्क की काफी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, सिल्क का कपड़ा होता है। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली। तो देखिए फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क, जो आपके अच्छी क्वालिटी का इंडियन सिल्क था उसकी काफी वैल्यू थी ब्रिटेन में, और वो बढ़ती गई काफी तेजी से, और इंडिया से वो सिल्क ब्रिटेन में एक्सपोर्ट भी होता था। एज द मार्केट एक्सपेंड, जैसे ही सिल्क की मार्केट एक्सपेंड हुई, मार्केट बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल से अधिकारी थे उन्होंने ट्राइड किया, मीन्स प्रयास किया टू इंक्रेज, इंक्रेज करने का सिल्क के प्रोडक्शन को, मीन्स सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। जैसे ही सिल्क की डिमांड मार्केट में बढ़ गई, क्यों, ताकि अपनी ग्रोइंग डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि सिल्क की डिमांड मार्केट में बढ़ी तो मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इंडिया में सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के प्रयास करने शुरू कर दिए। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड, झारखंड में है हजारीबाग आज, वाज एन एरिया वेयर संथाल्स रियर्ड कोकून। तो हजारीबाग एक ऐसा ही एरिया था जहां पे संथाल्स लोग, मीन्स आपके जो संथाल ट्राइबल लोग थे, वो कोकून रियर करते थे, मीन्स कोकून्स को पालते थे, और कोकून से फिर क्या निकाला जाता था, सिल्क निकाला जाता था। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क, जो ट्रेडर सिल्क में डीलिंग करते थे, मीन्स आपके सिल्क ट्रेड में इन्वॉल्व थे, वो संथाल लोगों के पास अपने एजेंट्स को भेजते थे, और उन ट्रेडर्स के एजेंट्स संथाल लोगों को लोन देते थे, और लोन दे करके फिर उनसे कोकून कलेक्ट करते थे वो एजेंट्स, और फिर उस कोकून से सिल्क निकाला जाता था। द ग्रोवर्स वर पेड ₹3 to 4 फॉर 1,000 कोकून्स। 1,000 कोकून जो होते थे सिल्क के, उनके लिए संथाल लोगों को सिर्फ 3 या 4 रुपए मिलते थे। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बर्दवान और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 टाइम एट द प्राइस। 3-4 रुपए के हिसाब से 1,000 कोकून वो ले जाते थे एजेंट संथाल से, और फिर उनको बर्दवान और गया इन जगहों पे भेज दिया जाता था, और 5 गुने प्राइस पे उनको बेचा जाता था। मेन सिल्क ग्रोवर से संथाल लोगों से तो कम दाम पे ले जाया गया कोकून्स को, और फिर वर्धमान और गया में उनको 5 गुने दाम पे बेच दिया गया। द मिडल मैन, जो बिचौलिए होते थे, सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड द सिल्क ग्रोवर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। और बिचौलिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे, जो मिडल बीच वाले होते थे ना दलाल, वो बहुत प्रॉफिट कमाते थे,
क्योंकि वो डीलिंग करवाते थे किसके बीच में, सिल्क एक्सपोर्टर के बीच में, सिल्क के निर्यातक के बीच में और सिल्क ग्रोवर के बीच में। एक तो सिल्क ग्रोवर सिल्क बेचने वाला हो गया, और फिर उस सिल्क को खरीद करके बाहर एक्सपोर्ट करने वाला जो आपके आदमी होता था, उन दोनों के बीच में मिडलमैन क्या करवाते थे, एक डीलिंग करवाते थे। द सिल्क ग्रोवर्स अर्न वेरी लिटल, और सिल्क ग्रोवर्स को, सिल्क उगाने वालों को, जैसे संथाल थे सिल्क ग्रोवर्स, उनको बहुत ही कम आपके बेनिफिट होता था, अंडरस्टैंडेबली। और ये बात समझने योग्य है कि मैनी ट्राइबल ग्रुप सो द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन इनेमी, और यही रीजन था कि अनेक ट्राइबल ग्रुप्स मार्केट को और ट्रेडर्स को अपना मुख्य दुश्मन मानते थे। उसके बाद में हम करते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा ये बच गया ही, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोल माइनर्स ऑफ बिहार, बिहार के ये कोल माइनर्स हैं, कोल फील्ड में काम करते हैं। 1948 की ये पिक्चर है। इन द 1920s अबाउट 50% ऑफ द माइनर्स इन द झरिया एंड रानीगंज कोल माइन्स ऑफ बिहार, बिहार की झरिया और रानीगंज कोल माइन्स में 1920 में जो 50% माइनर्स थे वो बिहार के थे, और बिहार वर ट्राइबल्स, सॉरी ये बोल रहा है कि 1920 में रानीगंज और झरिया जो कोल माइंस थी बिहार की, वहां पे उन माइनिंग में, रानीगंज और झरिया माइनिंग में काम करने वाले माइनर्स वो ट्राइबल लोग थे, क्योंकि ट्राइबल लोगों का फॉरेस्ट लॉ बनने के बाद रोजगार छिन गया था ब्रिटिश लोगों के आने के बाद। वर्क डीप डाउन इन द डार्क, अंधेरे में उनको काम करना पड़ता था, और काफी सफोकेटिंग होती थी वहां पे, मीन्स आपके घुटन हो जाती थी, दम घुट जाता था, सेफोकेशन हो जाती थी वहां पे। बैक ब्रेकिंग और कमर तोड़ काम होता था जो वो काम करते थे बेचारे इन कोल माइंस में, और खतरनाक भी होता था। इट वाज ऑफन लिटरली किलिंग, और जान लेने वाला होता था ये, क्योंकि कई बार माइन की रूफ गिर जाती है तो माइनर्स की मौत हो जाती है। 1920s में आपके 2000 वर्कर्स मर गए थे, हर साल 2000 वर्कर मर रहे थे 1920s में इंडिया की कोल माइंस के अंदर, क्योंकि कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं था वहां पे। मैं भी आपका ये लास्ट करवाता हूँ 2 या 3 मिनट में, उसके बाद फिर आपकी क्लास फिनिश करते हैं। द सर्च फॉर वर्क, वर्क की तलाश में, क्योंकि फॉरेस्ट लॉ बनाने के बाद फॉरेस्ट से तो निकाल दिया ब्रिटिश लोगों ने ट्राइबल लोगों को, अब वो वर्क की तलाश में देखते हैं कहाँ पे गए। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज वेरी और वर्स, जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी, किसकी, उन ट्राइबल ग्रुप्स की जो मीन्स आपके काम करने के लिए अपने घर से बाहर गए थे। वर्स का होता बैड, बहुत ही बुरी। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी से टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप, टी के प्लांटेशन आ गए इंडिया में, मीन्स ब्रिटिश लोगों ने जिन एरियाज में टी उगाई जाती थी वहां पे अपने बड़े बड़े खेत स्थापित करने शुरू कर दिए, और वहां पे टी बोनी शुरू कर दी। प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन होता है जब एक सिंगल क्रॉप बहुत ही लार्ज एरिया पे, बड़े एरिया पे उगाई जाती है ना, तो उसको बोलते हैं प्लांटेशन। तो चाय की खेती बड़े बड़े खेतों पे होती थी, एक चाय की फसल ही सिंगल क्रॉप उगाई जाती थी, तो टी के प्लांटेशन ब्रिटिश लोग हमारी कंट्री में ऑपरेट करने लग गए, चलाने लग गए, और माइनिंग भी इम्पोर्टेंट बन गया था। कब, लेट 19th सेंचुरी से, ध्यान रखें लेट 19th सेंचुरी से प्लांटेशन और माइनिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गई थी, ठीक है ना। माइनिंग का मतलब हो गया कि मिनरल्स निकाले जाते थे, कोल पेट्रोल ये आपके आपके माइन से, खानों से मिनरल्स निकाले जाते थे। ट्राइबल्स वर रिक्रूट, रिक्रूट होता है भर्ती करना, और जब इन प्लांटेशन में काम करवाया जाता था या इन माइनिंग में आपके है ना माइंस के अंदर काम करवाया जाता था, तो वहां पे किसको भर्ती किया जाता था काम करने के लिए, रिक्रूट किसको किया, रिक्रूट होता भर्ती करना, किसको भर्ती किया जाता था काम करने के लिए टी प्लांटेशंस में असम के और झारखंड की माइंस में, वो किया जाता था ट्राइबल लोगों को। तो ध्यान रखें टी आज भी असम में फेमस है और कोल माइंस झारखंड की फेमस है आज भी। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको कॉन्ट्रैक्टर रिक्रूट करते थे, हु पेड देम मिजरेबल लो वेजेज, उनको बहुत ही कम सैलरी देते थे कॉन्ट्रैक्टर, और उनको है ना घर जाने से भी रोकते थे। देखो इन आपके माइनिंग के अंदर या प्लांटेशन में काम करना
कितना वो होता था, देखिए उनकी आज़ादी कितनी छिन जाती थी, क्योंकि एक बार जब उनको माइन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ले लिया गया काम करवाने के लिए, या टी प्लांटेशन में जब उनको रिक्रूट किया जाता था, उनको ये बोला जाता था कि आपका हमारे साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप 5 साल तक घर नहीं जाएंगे, तो उनको घर भी नहीं जाने दिया जाता था कई बार।